प्रोग्राम सहारा समय की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मई को पहले फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाला है, और हमारी टीम आज आ पहुंची है संगम नगरी प्रयागराज में। संगम नगरी की क्या कुछ समीकरण है, ये हम सबसे पहले हमारे संवाददाता छत्रपति शिवाजी से जानेंगे। तो छत्रपति शिवाजी, सबसे पहले इलाहाबाद प्रयागराज की क्या समीकरण है, क्योंकि निकाय चुनाव है और पहले चरण का जो चुनाव है वो 4 मई को होने वाला है, यहाँ की समीकरण है। जी देखिए, मैं बता दूं कि इलाहाबाद का जो नगर निकाय चुनाव है, गौरवमय इतिहास है कि देश के पहले प्रधानमंत्री यहां से चुने गए थे, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं। लेकिन जो समीकरण की बात है, मैं बताऊं कि यहां पे समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आप, बीएसपी सब लड़ रही है। लेकिन अगर इतिहास देखें तो 96 से जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है वो निर्दलीय रीता बहुना जोशी जीती थी, जो बीजेपी में आ गई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीती है, उसके बाद कांग्रेस जीती, उसके बाद अभिलाषा गुप्ता नंदी अभी निवर्तमान है, वो पहले निर्दलीय जीती थी, बीजेपी, यानी 3 बार अगर देखें तो एक तरह से बीजेपी का है। लेकिन फिलहाल जो गणित है वो ये बताया जा रहा है कि मुकाबला जो है चारों जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बाद आप भी यहाँ पे आ गई है, तो वो एक तरह से सेंधमारी कर सकती है। लेकिन चुनाव अपने आप में दिलचस्प ये है कि नेहरू की नगर में ये चुनाव हो रहा है, और गौरवमय इसलिए कि पहले जो यहाँ के एक तरह से उस समय जो अध्यक्ष होते थे, आज जिसे मेयर कहते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल, तो यानी कि बहुत ज्यादा रोमांचित ये सीट है प्रयागराज अपने आप में। गेस्ट हमारे साथ हैं और तमाम जो जनता है प्रयागराज की वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबके पास जाऊंगी मैं, सबसे जानूंगी कि प्रयागराज के क्या है हालात और क्या है जमीनी मुद्दे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, बीजेपी से प्रतिनिधि करने के लिए पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि करने के लिए संदीप यादव जी हमारे साथ आ चुके हैं हमारे बीच, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद कादिर हमारे बीच हैं, बहुत स्वागत है आपका। निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त हैं, इनसे जानेंगे कि जमीनी हकीकत आखिर प्रयागराज की क्या कुछ है। और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के राय जी भी हमारे साथ इस वक्त है, सर बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, प्रयागराज में क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं और यहाँ की हकीकत क्या कुछ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि 2017 में 16 में से 14 सीटों पर जिस तरह से मेयर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, इस बार 17 मेयर की ये सीटें हैं, कितनों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि धुआंधार प्रचार हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख यानी कि 4 मई नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जो प्रचार है वो धुआंधार तरीके से शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हुए कि सर धुआंधार प्रचार हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है कि इसका असर, हालांकि निकाय चुनाव जो होते हैं उसका असर पार्टी पे नहीं पड़ता है, किसी और चुनाव पे नहीं पड़ता है, लेकिन आप जनता को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा आपको लोकसभा में होगा, ऐसा मानना है लोगों का। देखिए, कोई चुनाव जैसा माहौल, चुनाव हो रहा है पर कोई प्रतिनिधि हो ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है, भाजपा ही भाजपा दिख रही है। इन लोगों के लिए ये सहूलियत हो गई है कि 13 तारीख को ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, यहाँ स्वेच्छा से प्रत्याशी हैक हो जा रहा है, कई जगह आपने देखा निर्विरोध चुन लिए गए, तो कोई प्रतिद्वंदी कोई है नहीं, और 2024 सुरक्षित है हमारा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिबारा हैट्रिक प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और सरकार बनाएंगे, हमें कहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो निकाय चुनाव होते हैं सर वो जमीनी मुद्दों पर होते हैं, वो उन मुद्दों पर होते हैं कि आपकी सड़कें कितनी बनी है, क्या गली मोहल्लों में उस तरह से डेवलपमेंट हुआ है जिस तरह से जनता चाहती है, वो क्या आपको लगता है कि प्रयागराज में आप कर पाए? खूब हुआ है, 2020 का कुंभ, अर्धकुंभ, वहां से लेकर जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई वो आज तक रुकी नहीं, और लगातार गलियां सुसज्जित हैं, साफ सुथरी हैं, सड़कें बार बार बन रही हैं, एक बार नहीं बार बार, हर वर्ष लगता है हमको कि मतलब हर बार टूट रही है फिर बन रही है, बन रही है, टूटती है, पानी बरसता है, पानी और डामर का बड़ा आपस में बड़ा प्रतिद्वंदिता है, तो बनती है और टूटती है, तो चलेगा कोई तो उसे, टूटती है तो टूटती है, बनती है, पर इसमें कोई जनता परेशान हो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से इसका हम एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। संदीप यादव जी, आप सहमत हैं जो अभी भाजपा के प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, प्रतिनिधि करने के लिए जो आए हैं पवन जी, उन्होंने कहा उससे? देखिए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टक्कर इस बार दे पा रही है, या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी यहां पर उस तरीके से है?
देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव जीतने जा रही है इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद जो है वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। इलाहाबाद में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं, पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर महापौर थी, उन्होंने बढ़े हुए हाउस टैक्स 5 गुना हाउस टैक्स बढ़ा लिया गया है। जनता से अगर आप सवाल करेंगी तो जनता इस बात को आप भली भांति आपको बताएगी। और उन्होंने ही अभी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक लिमिटेड पार्टी हो गई है, नाराज है, पहले जाकर के वहां मनाए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से। और इन्होंने जो पिछली बार इन्होंने जो वोट मांगा था कानून व्यवस्था के नाम पर मांगा था, इलाहाबाद वही इलाहाबाद है जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो पूरा कासवोट कहा जाता है, जहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल करके आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री कही जाती थी। नौजवानों को रोजगार के सवाल पर रोजगार नहीं मिल रहे हैं, नाली सड़क और जो जिस तरीके से जलकर और हाउस टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता हम लोगों के साथ में है। और आपने अभी जीता जागता एक इनकाउंटर आपने देखा ही होगा कि इनकाउंटर क्या कहें, उसकी हत्या देखी होगी आपने कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को पेशी के समय लाइव इनकाउंटर आपके मीडिया के चैनल के लोगों कई लोग घायल हुए थे, उसमें देखा कि उनको किस तरीके से सामने से गोलियां मार दी जा रही है। तो ये दहशत फैलाने का माहौल है, ये चाह रहे हैं कि दहशत फैला करके हम मतलब अतीक अहमद के समय में क्या दहशत नहीं फैली थी, उन्होंने दहशत नहीं। देखिए बात सवाल इस बात का नहीं है कि अतीक अहमद के समय पे क्या हुआ था, वर्तमान की आप बात करिए कि आज किस तरीके से गोलियां, क्या किसी को आप गोलियों से भून देंगे, क्या किसी की आप हत्या कर देंगे? आपने जिस तरीके से प्रशासन उनको ला करके हत्या कराती है रात में, वो सब ठीक है, उस पर हम आएंगे। आप प्रत्याशी हैं क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद कादिर, उनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी खुद को डेवलप करेगी या फिर जो प्रयागराज की छूटी हुई समस्याएं हैं वो सुविधाएं जनता तक पहुंचाएगी। मैम आम आदमी पार्टी जुमलों की पार्टी नहीं, गारंटी की पार्टी। हमने जो भी कहा वो मैंने प्रमाण रूप दिया, अगर मैंने दिल्ली में कहा तो संपूर्ण रूप से लागू किया, पंजाब में कहा तो संपूर्ण रूप से लागू किया, और मैंने प्रयागराज में भी कहा लोगों से कि हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा, अब प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक होगी। तो मैंने जितने भी नफरत की राजनीति नहीं करनी है, शिक्षा की राजनीति करनी है, रोजगार की राजनीति करनी है। तो हमारे पास जो राजनीति का तरीका फार्मूला है वो जनता को देने के लिए है, हमारे पास नफरत की कोई बातें नहीं है। अभी भाजपा के भाई ने कहा कि मैंने सड़कें यहाँ बना दी वहाँ बना, एटलीस्ट कोई एक सड़कें बता दे। पीडब्ल्यूडी की सड़कों को आप अपनी सड़कें बताते हैं, बाजार से ला करके किसी चीज को रख दे, कह दे मैंने चमक रहा चमक रहा चमक रहा, ये नहीं चलेगा। नगर की कोई भी सड़कें आप कहीं किसी कोने में जाइए तो गड्ढा मुक्त, इन्होंने कहा था 6 महीने में गड्ढा मुक्त, आज तक गड्ढे भरे हुए हैं। तो ये गड्ढे पाटते पाटते आज इनके 10 साल हो गए, ये कहीं कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी जो भी कहेगी 100% लागू करेगी, दिल्ली मॉडल अपनाएंगे, दिल्ली अब पंजाब मैंने दिखाया है, प्रयागराज बनाएंगे। ठीक है, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर नीरज उनके पास आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप, आपको क्या लगता है कि आप वो जगह यहाँ पर जनता के बीच में बना पाएंगे जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं? हालांकि निर्दलीय भी यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं, मेयर का चुनाव भी जीता उन्होंने और अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, क्या लगता है? देखिए एक बड़ी सुखद बात है, छत्रपति जी ने अभी आपको चर्चा में लाया कि यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ के मेयर रहे हैं, यहाँ का इतिहास बहुत ही मार्मिक रहा है जी। ये क्रांतिकारियों देशभक्तों का शहर है, यहाँ पे क्रांतिकारियों ने देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा कि इस देश को लोकतंत्र दिया था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मताधिकार का प्रयोग किया था। मत जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, दल के नाम पे, शराब की पन्नी, पूरी कचौड़ी, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, समीकरण की राजनीति से नहीं होना चाहिए, देश हित में क्षेत्र हित में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रांतिकारियों का सम्मान देश के नव निर्माण के होना चाहिए। ये लोकल चुनाव है, यहाँ पे सीधे लोगों का संबंध संपर्क का सवाल है। क्रांतिकारियों देशभक्तों का शहर होने के बाद में आज तक किसी भी व्यक्ति ने क्रांतिकारियों देशभक्तों के सम्मान में कुछ नहीं किया, उन लोगों ने आज जान की बाजी लगा दी। मेरा कहना है कि क्रांतिकारियों देशभक्तों के शहर में सबसे पहले एक अमर ज्योति जलाई जानी चाहिए, अखंड अमर ज्योति यहाँ पे जलनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोग प्रेरणा लें और पूरे देश में आवाज जानी चाहिए कि क्रांतिकारियों देशभक्तों ने जो बलिदान किया था उसका जीता उदाहरण यह रहा है। दूसरी बात क्या है, मैं चाहता हूँ ये ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, दिल्ली नहीं जानी चाहिए, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इलाहाबाद आनी चाहिए, और जब बड़ी बड़ी हस्तियां इलाहाबाद में आएंगी तो यहाँ पे देख के जाएंगी, यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाएंगी। हम चाहते हैं किसी भी दशा में प्रयागराज में ऐतिहासिक सरकार होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरा घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में मैंने 11 पॉइंट बनाए हैं, उसमें पहला मैंने रखा है, मैंने अपनी आंखों से 25 साल से मैं इसमें दूसरी आजादी आंदोलन में काम कर रहा हूं और मैंने रखा है
कि अपनी आंखों से देखा लोगों का दर्द, इसलिए मैंने कहा है शिशु के जन्म लेते ही 50,000 रुपए उसके भविष्य की रक्षा के लिए फिक्स किए जाएंगे, जिससे विंटर करने के बाद ठीक है। मैं संकल्प पत्र पे भी आऊंगी। मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार है प्रदीप भटनागर जी आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन ही अभी संकल्प पत्र जारी किया है, आपने पढ़ा होगा, उसमें कई जो है पॉइंट्स लिखे हैं कि हम ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर है, क्या वो जगह फिर से भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी या हम देखेंगे कि निर्दलीय एक बार फिर से यहाँ पर सेंधमारी करें? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता की या कहीं की भी जनता की एक अपेक्षा होती है, और अगर वो अपेक्षा बिना किसी प्रयास के पूरी हो जाती है तो उसकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती है। आप देखिए तो पिछले कई वर्षों से ये सब हो रहा है कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और कमोबेश पूरी भी हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पूरा का पूरा आप देखिए कि पहले बहुत अच्छी योजनाएं बनती थी, कागज पर बनती थी, दिमाग में बनती थी, लेकिन जमीन तक नहीं आ पाती थी। अब आपको जमीन पर दिखने लगा है। दूसरी बात, अब लोकल मतलब काम हो रहा है जी। अगर निकाय की बात करें, निकाय चुनाव की, तो इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का शहर है, यहाँ बहुत समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, सड़कों के चौड़ीकरण की समस्या है, दुनिया भर की समस्याएं हैं। उसके बावजूद प्रयागराज का जो नागरिक है वो राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ता है, और ये पहली बार नहीं कि इस बार जुड़ेगा, हमेशा से जुड़ा है। जैसा आपने जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लोग जुड़े हैं, तो हर आदमी अपने को ऊपर से जुड़ा हुआ मानता है, तो स्थानीय मुद्दे या स्थानीय दिक्कतें उसके लिए कोई माने नहीं रखती, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। बिल्कुल, लेकिन देखिए निकाय चुनाव जो होता है वो होता है स्थानीय मुद्दों के लिए, और मुझे लगता है कि जो जनता होती है वो वोट देती है अपने स्थानीय मुद्दों को देखते हुए। के राय जी हमारे साथ हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सर आप रह चुके हैं, क्या लगता है आपको कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक समय में जलवा हुआ करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो क्या आज भी बरकरार है? देखिए जलवा आज भी बरकरार है। हम लोगों में सबसे अच्छे वक्ता व्यवस्थी यही है उनके पास, और इसके अलावा हमारे और भी पदाधिकारी अध्यक्ष लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इलाहाबाद के वर्तमान चुनाव का मूल्यांकन करते हुए इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 274 से ज्यादा ग्राम सभाएं इस बार परमिट सीमन में शामिल की गई हैं। यह बुद्धिजीवियों और व्यापारियों का चुनाव नहीं रह गया है सिर्फ जी, यह किसानों मजदूरों और खेतीवर मजदूरों का भी चुनाव रह गया है। यह मुट्ठीगंज, कीटगंज, कटरा और कर्नलगंज की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रह गई है, यह इलाहाबाद से पीछे, और यह सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ है, और समाजवादी पार्टी इस परिसीमन से इतनी मजबूत हो गई है कि कोई ताकत उसको हरा ही नहीं सकती इलाहाबाद में। और दूसरा कारण, इस हफ्ता में दो बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा है। दो भाइयों को एक हथकड़ी में बांध के जिस तरह हत्या की गई, राज्य प्रायोजित, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा, जिस तरह से धिक्कारा इस सरकार को, उसमें सर से डूब मरना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में। लेकिन उसके बावजूद इनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है, गणेश जी बहुत सीधे शरीफ अच्छे आदमी हैं, लेकिन इतना आंतरिक कलह है भाजपा के अंदर, भाजपा से लड़ रही है, भाजपा न तो नीरज भाई से लड़ रही है, न संदीप यादव से लड़ रही है, लेकिन जीत भी तो भाजपा अपने रही है। भाजपा 720 सीटों पे चुनाव है, 17 मेयर का है, मुझे डर है कि कहीं 17 में 0 उसका रिजल्ट ना आ जाए जिस तरह के उसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। एक बार बाबा अभय अवस्थी जी हैं, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर शायद प्रयागराज को कोई नहीं जानता होगा, यहाँ की जो समीकरण है क्या लगता है आपको सर कि निकाय चुनाव बहुत छोटे मुद्दों पर लड़ा जाता है और जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव से पहले जनता के दरबार में जाते हैं, उनसे वोट की अपील करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या ट्रैफिक से हम अभी भी जूझ रहे हैं? क्या गुंडागर्दी यहाँ पर अभी भी देखी जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि अतीक अहमद, उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद को उसकी हत्या हुई, उसके भाई की हत्या हुई, वो माहौल है क्या अभी यहाँ पर? देखिए चौड़ीकरण के नाम पे तमाम लोगों को उजाड़ा गया, लेकिन जाम की समस्या उसी तरह बनी हुई है। कोई भी सड़क चले जाइए तो चौड़ीकरण बहुत बड़ा बड़ा हुआ, लेकिन जाम से निजात नहीं मिला। नहीं मिली। अभी राय साहब कह रहे थे, उस पॉइंट को मैं भी समर्थन करता हूँ कि जो ग्राम सभा के जो नए वोटर 20 वार्ड बढ़े, पहले 80 होते थे, अब 100 हो, वहाँ के मतदाताओं का मिजाज
अभी तक जो है वेल स्प्रेड नहीं है, उसका जो है आकलन और मूल्यांकन भी नहीं किया है। हालात इलाहाबाद के ये हो गए हैं कि आवारा पशुओं का, भारतीय जनता पार्टी के मेयरशिप के शहर में आवारा पशुओं का जो है आतंक है। किसी के छत पे बंदर कूद के बच्चों को काट ले रहा है, किसी गली में कुत्ता चहेट के जो है मांस नोच ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय बहस पर ना जो है ले जाके, जो स्थानीय मुद्दे हैं, नगर निगम का जो अधिकार क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हाउस टैक्स जो है 4 गुना बढ़ा दिया, तमाम धरने पे हम लोग भी जो है बैठे, लेकिन कोई तो बदला है प्रयागराज में? बदलाव कोई बदलाव नहीं है, बल्कि और जो है बदतर स्थिति। ठीक है, ठीक है। देखिए आम जनता भी है यहाँ पर, उनसे भी हम एक एक सवाल पूछेंगे और सबके पास आने का मैं ट्राई करूंगी। सर बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत संकल्प पत्र अगर हम पढ़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ पर बहुत सारे दावे किए गए हैं। निकाय चुनाव है, छोटे छोटे मुद्दों पर यहाँ पर जो जनता है वो वोट देती है, क्या सोच समझ के आप यहाँ पर वोट देते हैं? देखिए लोकल चूंकि चुनाव है ये, तो आदमी जो है लोकल मोटिवेशंस उसके सामने रहते हैं। उसको ये लगता है भाई हमारी सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा विगत कुछ वर्षों से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा काम नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद काफ़ी काम हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, एज ए जनरल सिटीजन मैं ये कहने की अभी अपनी हैसियत है मेरी, और मैं कह भी सकता हूँ इसको कि आप अर्थकुंभ के पश्चात देखिए हमारा इलाहाबाद प्रयागराज आज कहाँ बुलंदियों पर पहुँच गया है, और देखिए आबादी बढ़ती चली जा रही है, सड़कों पर जाम है ही है, है ना। उसके पश्चात भी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, विद्युतीकरण भी हुआ, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, काफी कमियां हैं रादर। ठीक है, क्योंकि देखिए चौड़ीकरण का जिक्र हुआ है, तो क्या उस तरह से ट्रैफिक से अब निजात मिल पाई है यहाँ पर? तमाम जो जनता है, आप घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए, जब आप निकलते होंगे तो क्या वो रिलीफ है अब यहाँ की जनता को? जी हम बिल्कुल सहमत हैं, आज जो हमारी सड़कें हैं काफी चौड़ी हो चुकी हैं और आज का यातायात काफी सुगम हो चुका है, और इसका बहुत जीता जाता उदाहरण है हमारे GIC के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, या उच्च न्यायालय के ऊपर हमारा जो ब्रिज बना हुआ है, उससे आने जाने की बहुत सुविधा हो गई है। जो हम लोगों को पहले जाम में घंटों परेशान होना पड़ता था, अब हम लोग अक्सर बिना जाम के कहीं भी आ जाते हैं। ठीक है, बाजारों में अभी भी हम अतिक्रमण देख पा रहे हैं, क्या उससे अभी प्रयागराज मुक्त हो पाया है? नहीं, बाजारों में अतिक्रमण तो है ही है। आज जब हम बात करते हैं कि जाम नहीं हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं गवर्नमेंट्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। हम एक सामान्य नागरिक को जो करना चाहिए, दुकानदार को जो करना चाहिए, अपनी दुकानें बढ़ के लगा लेते हैं, तो इसलिए जाम होना स्वाभाविक ही है। तो उसके लिए सरकारें तो कुछ नहीं कर सकती, सरकार अगर उसको चौड़ी बिल्कुल देखिए कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर, मैं मुझे भी लगता है, और बड़ी वाजिब बात यहाँ पर सबने बोली है कि कुछ जिम्मेदारियां मुझे लगता है कि प्रबुद्ध जनों की, आम जनों की भी होती है। कि जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक मुझे लगता है कि हम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की लगता है आप नेता हैं। Yes. क्या लगता है आपको कि आपके नेता क्या वो जगह प्रयागराज में बना पाएंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और निर्दलीय में हम जो त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं? जी आप ये चीज देखती है, इससे पहले हमारे पास दिल्ली की जनता थी, हमने दिल्ली को छोड़िए, दिल्ली जब भी आम आदमी पार्टी की बात आती है दिल्ली क्यों, आप प्रयागराज की बात की, स्टार्टिंग अवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली, सो आई एम टेलिंग दिस। लेकिन आप हर जगह दिल्ली मॉडल नहीं अपना सकते, आप हर जगह फ्री बिजली नहीं दे सकती हैं। क्यों नहीं दे सकते हम? नगर निकाय की बात हो रही है, नगर निकाय की बात, छोटे मुद्दों पे बात करते हैं। ऑफ कोर्स छोटे मुद्दों पे बात करते हैं, क्यों नहीं? आपका मेयर आएगा, पूरे शहर की बिजली फ्री कराएंगे? शहर की बिजली फ्री नहीं कराएंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स छोड़ देंगे, माफ करेंगे, और अपने मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक देंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था बद से बदतर है यहाँ पर, डेंगू इस तरह से फैला हुआ था, अगर हमारे मेयर और हमारे सभासद प्रत्याशियों ने सही से काम किया होता तो जल भराव नहीं होता। मैम आई कैन सी दैट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक अभियान चलाया था रॉन्ग नंबर, जिसमें हम ये चीज कंसीडर करके दिखाई थी कि हमारे यहाँ कितना ज्यादा सड़क चोरी हो गई है, जल भराव है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे थे, बीमारियां बढ़ रही थी। अगर हमारे मेयर प्रत्याशी ने ये काम किया होता और हमारे सभासदों ने ये काम किया होता तो ये स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम भी आ रहा है, तो ऐसे में बरसात के मौसम में क्या यहाँ के प्रयागराज की हालत हो जाती है?
यहाँ पर सड़कें जो बनती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उस बारिश को झेल पाएं, तो सड़कें यहाँ पर टूट जाती हैं हर बारिश के मौसम में। तो ऐसी मतलब मिलावटी वो व्यवस्था से अच्छा है कि आप सड़कें इस तरह से बनाएं कि उस बारिश को वो झेल पाएं। बिल्कुल, यहाँ पे एक महिला भी हैं, तो क्योंकि हम सिक्योरिटी की यहाँ पे ज़रूर बात करते हैं, तो अभी आपने देखा हाल फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हुए जिसमें सभी की सिक्योरिटी पे हालांकि प्रश्न चिन्ह लग रहा था, लोग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे प्रयागराज में रहना, क्योंकि धारा 144 लग गई थी, नेटवर्क बंद कर दिया गया था। क्या था उस वक्त माहौल? माहौल इसलिए ऐसा है क्योंकि लोगों के अंदर भावना उस तरीके की है, और हमें क्या बोलते हैं भाईचारे की भावना अपने शहर में चाहिए। और जितने भी प्रत्याशी यहाँ हैं, मुझे ऐसा नहीं किसी के भी पास ऐसा कोई विजन नहीं लगता सिवाय डॉक्टर नीरज के। उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है और उस विजन की हमें बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ये प्रभा शंकर मिश्र, बहुत स्वागत है सर आपका, लेट एंट्री जरूर की है आपने। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो बड़े चुनावों में तो कहीं ना कहीं थोड़ी लोग होती हुई दिख रही है, वो कमबैक आप निकाय चुनाव में इस बार कर पाएंगे? अब देखिए, आप कर देखना हो तो कांग्रेस के प्रत्याशी के कारण पूरी सरकारी मशीनरी इलाहाबाद की धरती पर रुकी हुई है, तो ये कांग्रेस प्रत्याशी का दम है वो दिख रहा है। किसी का कैंडिडेट अगर खुद सक्षम ना हो, उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह सारे मिनिस्टर यहाँ अपने प्रत्याशी को कंधा दे रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी का दम आपको इसे ही दिखना चाहिए। आप प्रत्याशी हैं, आप भी जनता के दरबार जाते होंगे, लोगों के पास जाते होंगे, उन्हें कहते होंगे कि अगर मैं प्रत्याशी जीतता हूँ तो मैं ये समस्याएं खत्म कर दूंगा। देखिए, अभी आपने यहाँ नहीं देखा होगा, नगर निगम ने जलकर और गृहकर 400% बढ़ाया है कि 400%। नगर निगम का एक्ट होता है, कोई भी कानून एक्ट के हिसाब से होगा, इन्होंने 400% बढ़ाया। चूंकि सत्ता का ही महापौर, और जब सरकार ने बढ़ाई तो सत्ता का महापौर सरकार अगर दोनों में एक हैं तो उस बात का विरोध होगा नहीं, तो चुनाव के समय उसको स्थगित कर दिए। क्या किए? स्थगित, खत्म नहीं। जब 400 गुना टैक्स आप जनता के ऊपर ला देंगे तो जनता का क्या होगा? तो मैं आते ही जो इन्होंने स्थगित किया है उसको निरस्त करूंगा, खत्म करूंगा। पहला तो मेरा ये काम होगा। दूसरा, महापौर का काम है अपने शहर को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ नहीं है प्रयागराज, कतई नहीं है। केवल सिविल लाइन देख लेने से थोड़ी शहर की स्वच्छता आपको दिख जाएगी, आपको पूरा, क्योंकि शहर का प्रत्येक नागरिक शहर का निवासी है। आप केवल वीवीआईपी को बिस्लरी के बाटल का पानी पिला दीजिए, और जो और जनता है वो ऐसे नल का पानी पिए जिसमें बीमार हो जाए, तो स्मार्ट सिटी थोड़ी बनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आगामी कुंभ को देखते हुए, मेला को देखते हुए, प्रयागराज शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और आपके पास मैं आऊंगी, पहले मैं किसी आम जनता के पास जाना चाहूंगी क्योंकि आप बीजेपी से हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के काम से क्या संतुष्ट हैं उस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी के काम से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उसका कारण ये है कि आप पूरे प्रयागराज की सड़कें देख लीजिए, एक नंबर की बनी हुई हैं। अभिलाषा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी तक की हमेशा जितनी भी जगह पर नगर निगम का कार्य देखा होगा आपने, कहीं पर भी ऐसा नहीं जो अधूरा रहा हो, और हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट पर ही काम किया है। और गणेश केसरवानी आम जनता से होकर के आए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इतना बेहतर कार्य कर ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, लेकिन संगम नगरी है ये, और संगम नगरी होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी गंदगी है यहाँ पर। नहीं, ये आपको बहुत स्वच्छता दिख रही है। इससे पहले अगर आप देखेंगे कुंभ अर्धकुंभ जो हुआ है, भव्य दिया है मोदी संगम के दर्शन करके हमारे, हमने भी वहाँ थोड़ी सी गंदगी देखी। वो तो जो आते श्रद्धालुओं की तरह करती है, सरकार कितना साफ करेगी? साफ करती, सब लोग लगे हुए, हम लोग खुद गंगा स्वच्छता में लगे उड़ते, लोग कर जो बाहर से आते हैं अब उनके अंदर प्रेरित हो रहे हैं स्वच्छता के प्रति, मगर उतना नहीं हो रहे, मगर पहले से बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आप बताइए। देखिए, हम लोग तो मूल रूप से व्यापारी हैं, किसी
राजनीतिक संगठन से हम लोगों का बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि प्रयागराज में जो कि हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है और यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान हुआ या जो अभी पीछे कुंभ गया है उसकी सराहना न केवल देश में हुई बल्कि विदेशों से लोग, ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो हम चाहते हैं कि जैसे कि पहले चुनाव हुआ करते थे तो हम व्यापारियों को कहीं ना कहीं चंदे के नाम पे, कहीं ना कहीं उसूली के नाम पे, कहीं ना कहीं बैनर के नाम पे जो पैसा देना पड़ता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें देखने को नहीं मिला। जी देखिए, सबसे पहले जो विकास शुरू हुआ है वो 2014 शुरू हुआ है, उससे पहले परिकल्पना थी। और रही बात संगम की, बात कर रही हैं संगम में अगर आपने आचमन किया होगा, नहाई नहीं होंगी, अगर नहाती तो रेसेस पहले हुआ करते थे, अब रेसेस नहीं है, गंगा ये बताती है कि इतना साफ हुई है, ठीक है। और दूसरी बात अगर विकास की बात करते हैं, जितना लेकिन ट्रैफिक है अभी विकास, जहाँ मैडम गाड़ी निकलेगी तो वहाँ तो ट्रैफिक तो होना ही होना है। और दूसरी बात विकास जितना भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो उतने सरकार में कभी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ एक निवेदन, जमीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट मिला है, जय गणेश जय गणेश, अब की बार होना ही है, ठीक है। आप बताइए, देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग कह रहे हैं, ये इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद शहर में हाई कोर्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, कुंभ है, धार्मिक स्थली है। यहाँ अभी बताया कांग्रेस प्रत्याशी ने कि 400 गुना आय बढ़ा दिया गया कर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी इससे जुड़ा हुआ है, 400 गुना फीस भी बढ़ा दी गई, और गरीब घर के बच्चों को शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इनकी ठीक है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कई दावे कर रही है यहाँ पर कि हमने ये काम किया है, हमने ये सुविधाएं जनता तक पहुँचाई है, आपको लगता है आप संतुष्ट हैं? काम किया बहुत किया, मगर अधिकारी यहाँ के भ्रष्ट है, कुछ काम करने दे नहीं रहे हैं। सरकार काम बहुत कर रही है मगर अधिकारी पैसे खा जा रहे हैं। ठीक है, संतुष्ट हैं? जी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हाँ। गली मोहल्ले, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव है तो गली मोहल्ले जो सड़कें टूटी हुई होती हैं, पतली गलियां होती हैं, जो भी अतिक्रमण होता है, क्या उससे राहत अब मिल पाई है प्रयागराज को? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, संगठित रूप से अपराध, ठीक है, मेयर की बात करते हैं, मेयर की ही, मेयर में भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है, भ्रष्टाचारियों 40 प्रत्येक काम के लिए 40%, रोड बनवाने के लिए 40%, बहादुरगंज मेयर के आवास पे चले जाइए तो वहाँ कार्यकर्ता जनता नहीं, वहाँ मिलेंगे आपके ठेकेदार पट्टेदार, नगर पालिका के ठेकेदार 40% रोड बनवाने के लिए आपको टेम्पू का अगर स्टैंड पे लगवाना है तो 30% है, अगर पार्क के बाहर अगर स्टैंड का लेना है तो 40% है। संगठित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और एक गिरोह बना करके प्रयागराज को लूटा अच्छा, जा रहा है, और ये प्रयागराज को लूटा जा रहा है, ये इलाहाबाद प्रयागराज महादेवी वर्मा का शहर है, ये यहाँ तमाम बुद्धिजीवियों का शहर है, यही गंगा यही बैठ करके कुआ तोड़ती, पत्थर गरीबों की बात होती थी, आज यहाँ पूंजीपतियों की बात हो रही है। कौन कितना, कौन लैंड क्रूजर से आ रहा है, कौन बड़की गाड़ी से आ रहा है, लंबे चक्का वाली जो जितनी बड़ी गाड़ी से आ रहा है उसकी बात उतनी ज्यादा सुनी जा रही है, उसी का काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए संगम के बाहर क्या उस तरह से अब पार्किंग की जो समस्याएं हुआ करती थी उससे निजात अब संगम नगरी को हो पाई है? कहाँ निजात मिली है, आप देखिए ना, अभी चले जाइए रेलवे स्टेशन के बाहर तो देखिए किस तरीके से ग्रिल बना के वो किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग की फीस कितनी ली जा रही है, 60 रुपए, 50 रुपए, आप जाइए 70 रुपए, 70 रुपए, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, जो टिकट हमें वहाँ पे 5 रुपए के मिलते थे वो 50 रुपए हो गए। आज देख लीजिए पूरे प्रयागराज में, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के हिमायती हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, लेकिन छात्रों के ऊपर ज्यादती की जा रही है, हॉस्टलों से भगाया जा रहा है, 15,000 रुपए फीस कर दी गई, आज 10x10 के कमरे में जो छात्र रहता है, खाने पीने को लेकर के घर में माँ परिवार बहन देखती है कि हमारा भाई गया है IAS बन के आएगा, PCS बन के आएगा, लेकिन 1992 में जब 74वां अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसलिए किया गया कि एक डेवलपमेंट होगा आधारभूत का, मतलब नहीं है ग्रामीण सरकार। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई काम धरातल पे नहीं दिखाई देता है, आज बेरोजगारी का ये केवल जुमला
इनके घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए, एक भी वादा इन्होंने पूरा किया है तो बताइएगा। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज गरीबी का ये आलम है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, अधिकारी मनमानी हो गए। आज बताइए इलाहाबाद, इलाहाबाद सुनिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयागराज है, आज छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा के बजट में कटौती कर दी गई। ये आप ये देखिए कि सारी पार्टियां लाख चिल्ला ले, लेकिन प्रयागराज में विकास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और सिर्फ विकास की बात नहीं, यहाँ पर यह भी स्थिति है कि आप देखिए 4-5 अदर पार्टी के लोग जो आए हुए हैं, इनके पास दम क्या है, इनके पास 0 वोट है। 4 गुंडा सा ऐसा लोगों सत्रह सीटें जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि 17 में से 17 सीटें हम जीत रहे हैं। धुआंधार प्रचार में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है तो 17 में से 17 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ये तो 13 मई को पता चलेगा। लेकिन आपने तमाम जो जनता थी उनकी समस्याएं सुनी, बहुत सारी समस्याएं हैं उनकी। उन्होंने बोला कि अभी भी हम संगम के बाहर जो पार्किंग होती है उससे हमें ट्रैफिक में जूझना पड़ता है, उससे हमें निजात नहीं मिल पाता। दावा है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें 70% लोगों ने अपनी आंखों से कोई फ्लाईओवर बनते नहीं देखा होगा। आज फ्लाईओवर का जाल बिछा है, जनता का जो जाम की समस्या थी उसका समाधान हुआ। यही कुंवर रेवती रमन सिंह ने कई बार रामबाग पुल का निर्माण उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी ने देखिए आप सब बैठ जाइए, मैं सबके पास आऊंगी। ठीक है मैं सबके पास आऊंगी। सीताराम बस आओ भगवान। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। ठीक है, आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, कौन बोलना चाहेगा? मैडम मैं एक प्रश्न, आइए बोलिए। प्रयागराज का विकास बोल रहा है, प्रयागराज में विकास बोल रहा है, ढेर लगा हुआ है और गलियां एकदम बचबचा रही है, नालों पानी में एक नंबर आराम से एक एक करके। नहीं नहीं, भारत जब आजाद हुआ था यहाँ क्या था, देने वाली कांग्रेस थी। आज राहुल जी को घर से, जिसने अपना घर जो है देश के लिए दे दिया, आज उस राहुल गांधी के घर से इनकी हैसियत है निकालेंगे। आज राहुल जी को घर से निकाल दिया, अपना घर बना रहा है ये अडानी अंबानी को देगा, ये बदतमीज प्रधानमंत्री है अडानी का, विकास से जो है घर बेच रहा है। आराम से, कुछ नहीं है। मैडम आपने पूछा नगर निगम निकाय चुनाव के बारे में, मैं आपको सतर्क बताऊं, यहाँ जितने कोई आम जनमानस नहीं है। अगर आप आम जनमानस के बीच में पूछेंगी तो आम जनमानस ये बताएगी कि प्रयागराज में पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, ये हकीकत है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई है। सर हमारे साथ सर से जाके एक सेकंड, आप लोग पहले सीट पे जाके बैठिए, सीट पे जाके बैठिए। ये जो कह रहे हैं कि मैं, आप लोग पहले सीट पे जाके बैठिए, चंदा चोर है। आप लोगों के पास मैं आऊंगी, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, मैं सबके पास आऊंगी, मैं उधर पे आऊंगी। सर मेरे साथ, सर बताइए। ये जो अभी इन्होंने बात करी महंगाई के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 10 साल में कह रहे हैं चीज इतनी महंगी हो गई, तो इनकी तनख्वाहें और जो इनकम बढ़ी है उसका भी ब्यौरा लेना चाहिए कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है। तो महंगाई उसी हिसाब से बढ़ती है समय के अनुसार से, जैसे कि इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अब ये चाहते हैं 10 साल पहले जो आलू 2 रुपए किलो था, 2 रुपए किलो मिलना चाहिए आज के रेट में। ये चाहते हैं कि इनको सब चीज फ्री में मिल जाए। दूसरी बात ये है, जो ये अतीक अहमद को कह रहे हैं कि मार दिया, तो कम से कम उन्होंने गुंडे माफियों को पकड़ा, भैंसों को तो नहीं पकड़ा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग थे, एक सेकंड, आपके पास आई थी मैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बोलना चाह रहे थे। हाँ आप बताइए, आप युवा भी हैं, आपको क्या लगता है कि उस तरह से यहाँ पर पार्टी ने काम किया है जो फिलहाल यहाँ मौजूदा मेयर हैं?
देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष भी रहा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का एक मजबूत स्तंभ है। हाउस टैक्स यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है निरंतर, जिसके वजह से जो छात्र हैं उनको मकान मालिक को ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। दूसरी ओर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और इनका सांसद जो है, जो हमारी जो है ओलंपियन है, उनके साथ यौन शोषण का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, सबका साथ सब। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। हिंदुस्तान जब देश आजाद नहीं था 1922 में इलाहाबाद में छात्र चुनाव हो रहा था, आज देश आजाद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इलाहाबाद छात्र चुनाव नहीं हो रहा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी धर्म का चोला ओढ़ कर अपनी दुकान चला रही है, धर्म के आड़ में अपनी दुकान चला रही है। जिस प्रकार खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा घिनौना कार्य हो रहा है सांसद और विधायक की, इसके लिए आप हम लोग आवाज उठा। ठीक है, देखिए बहुत सारी शिकायतें, मैं एक बार फिर से आऊंगी सबके पास। आप सबके जो सवाल थे भारतीय जनता पार्टी से, वो एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ले लेती हूँ कि सर आपने सुना कि। ठीक है सर, आते हैं, उधर भी आते हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं सर, मेयर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जनता। देखिए, पूर्व की मेयर ने काम किया और लगातार काम किया, जब काम हो रहा था तब यही लोग खुद लाइन लगा के वहाँ बैठे रहते थे और उनके प्रशंसा के शब्द पढ़ा करते थे। अब आज वो मेयर नहीं है तो ये जनता है, जनता जैसी होती है कि उसका काम नहीं बना। जो लोग कर रहे हैं वो ठेकेदार लोग हैं, इनका काम नहीं मिला होगा या कोई काम नहीं होगा इसलिए रोष है। पर सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है सर, इसीलिए वो लोग असंतुष्ट है। समाजवादी पार्टी कितनी जगह बना पाएगी अगर आती है मेयर पद पर, और आपका क्या संकल्प पत्र रहेगा? आप क्या क्या सुविधाएं जो आप शिकायतें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, आप क्या क्या सुविधाएं जनता तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, आप जनता के बीच में देख ही रहे हैं, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और एक तरफ मैंने देखा हत्या करके भी लोग जय श्री राम का ही नारा तो लगा रहे हैं। इन हत्यारे लोगों को कौन लाएगा ये बताइए? लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं। इलाहाबाद की पढ़ी लिखी जनता है और वो धर्म और जाति के नाम पर बटने वाली नहीं है। इलाहाबाद की जनता ने देखा था किस तरीके से हत्यारे आकर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अतीक अहमद को जिस तरीके से गोलियों से भूनने का काम किया है, वो कौन लोग थे? जय श्री राम का नारा लगा करके बचेंगे? आपने पूरे देश ने देखा टीवी में कि एक दरोगा जिस तरीके से एक हत्यारे को पकड़ रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल है और जिस तरीके से गोलियां चला करके और सरेआम जिस तरीके से उनको रोका जाता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, उनका एनकाउंटर नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं देखिए धर्म और जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं। आजम खान साहब जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया जाता है, तो ऐसे में कौन से चुनाव की आप बात करती हैं? रही बात इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद जिस तरीके, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि धुआंधार प्रचार कर रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उतरे हुए हैं जमीन पर और उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, अखिलेश यादव ने थोड़ी सी लेट एंट्री भी की है हम देख रहे हैं, और उस तरह से वो क्यों नहीं जनता के बीच जा रही? क्या वो कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे? देखिए, ये मीडिया को नहीं दिखता है, आप देखिए आज जाकर के प्रकाश सर मीडिया को वही दिखता है जो होता है, आप बताइए, दिखाइए ना। आपके नेता ने कल मेट्रो में जाके चुनाव प्रचार शुरू किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत से हर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार पंजाब की नहीं, हमने कहा चुनाव नहीं, हमारे अखिलेश जी आप ये बताइए जिस तरीके से अखिलेश जी जा रहे हैं दिखेगा ना, आप दिखाइए उन चीजों को, आप बताइए बेटियां हमारी कुश्ती की बेटियां जो देश को मेडल लाने वाली आज धरने पर बैठी हुई हैं, उनके साथ न्याय हो नहीं हो रहा है? जय श्री राम नारा लगा देने से नहीं होगा, नहीं नारा लगा देने वाले नहीं होगा, ये देश और इन लोगों ने संविधान की तरह काम किया और जिसकी संघी मानसिकता नहीं चलने वाला है, इनको दर्द नहीं होता, एक हत्यारे की लुटेरे की हत्या हुई है, नहीं हत्या हुई है, संविधान को खत्म करने जो हत्या विचार देंगे, भावना देंगे। मामला हम देख पा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ही देख पा रहे हैं, ये जो दो पार्टी इसमें मुकाबला हो रहा है, आप लग रहा है कि आप जगह बना पाएंगे और क्योंकि आप प्रत्याशी भी हैं? मैम, ये लोग लड़ते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, हम काम करने वाले लोग हैं और जनता को पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ही इस देश में इस देश को चला सकती है। ये लड़ने वाले लोग लड़ाई करें, ये मैंने जो भी कहा वो मैंने किया या नहीं किया माननीय आप पहले बताइए, आपको इनसे पूछिए मैंने जो, तो आम आदमी पार्टी अगर परिवार के अंदर आप क्या काम करेंगे? मैंने निकाय चुनाव में मैं आऊंगा शहर को सुंदर, जीरो, ठीक है, शहर को सुंदर कर देंगे अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो। आपने ये सुन लिया, कांग्रेस अगर आ जाती है तो कांग्रेस क्या बदलाव जो लेके आएगी जो अब तक नहीं हुए हैं प्रयागराज में? देखिए, अभी आप डिबेट कर रही है, सहारा
चैनल ठीक ठाक चैनल है कि नहीं, यह मानती हैं आप? सर मैं काम करती हूँ इसीलिए वहाँ। तो अच्छा चैनल है, तो जब कैंडिडेट में इतना दम ना हो कि वो आके जनता को फेस करे, अभी तो 10-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो जो कैंडिडेट बोलने में सक्षम ना हो और आपकी बातों का जवाब न देने के लिए आदमी भेज रखे हों, तो उन प्रश्नों का जवाब किसको? जिसकी भाई आज 10 साल से नगर निगम में उन्हीं की है। 400 गुना अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स बढ़ा के स्थगित कर दिए कि चुनाव जनता, इसके बाद आप क्या करेंगे? हम निरस्त करेंगे, हमने तो बोल दिया हम अधिवक्ता हैं। ये कैसे, कोई प्लान है? प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है। मैं जनरल सेक्रेटरी 2-2 बार रह चुका हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। हम कानून के जानकार हैं, तभी आपके सामने आए हैं कि चाहे जो प्रश्न पूछ लो। क्योंकि प्रयागराज में 50,000 अधिवक्ता, एक अधिवक्ता के घर में 5-2.5 लाख वोट का तो मैं स्वयं मालिक हूँ। तो हम इसीलिए आपके पास स्वयं आ गए हैं, किराए के लोग नहीं लाए हैं, कि कैंडिडेट नहीं आ रहा है क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अभी एक सेकंड, एबी गंगा के डिबेट में उसने कहा हम पुल बनवाएंगे बीजेपी के। ठीक है सर, सर आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ निर्दलीय। ये ना कि एक महापौर के शासन सत्ता के प्रत्याशी को ये ज्ञान नहीं है कि पुल सरकार बनाती है, महापौर नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट के लोगों को सुनना क्या मूर्खतापूर्ण कदम है। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे सबने मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, यहाँ पे जितने सब भाई बैठे हुए हैं हम ये जानना चाहते हैं, इतनी आवाज़ है यहाँ पे, इतने नारे हैं, इतने इतनी जबरदस्त बुलंद आपके जो है इरादे हैं। सर जो मेयर निर्दलीय से चुने गए, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए बात यहाँ पे ये है, जब प्रयागराज विकास की बात हो रही है तो ये सब लड़ाई झगड़ा और नारेबाजी का क्या सेंस होता है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे कम से कम आप कम से कम इतना, अरे डिबेट का मतलब है यहाँ के डिबेट, यहाँ के विकास के लेकर के होनी चाहिए, यहाँ के मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। आप अपने मुद्दे, मैंने बताया ना मैंने। अच्छा, जो प्रत्याशी थी, निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत भी हासिल करी लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी से है। देखिए हमारा सीधा सीधा ये कहना है, मेरे पास खुद इतने संकल्प हैं, इतना मेरे पास मैटर है देश समाज को बनाने का, किसने क्या किया मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ इस पे मैं लोगों को बात करूँ, मैं वाद विवाद करके मुझे किसी तरह की उपलब्धि नहीं होती है। ठीक है सर, ठीक है। एक छोटी सी प्रक्रिया सर आपकी हम लेना चाहेंगे, एक छोटी सी प्रक्रिया। आपने तमाम जो बुद्धिजीवी बैठे हैं उन्हें सुना, आपने तमाम जो कुछ प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से और सपा से उन्हें सुना, आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी सुना, क्या लगता है आपको कि ये जो आपसी लड़ाई है ये आपस में उलझ गई है और काम नहीं हो रहा है प्रयागराज में? नहीं, मुझे लगता है कि ये चुनाव का समय है और सारे दलों को, उनके समर्थकों को, प्रत्याशियों को अपनी अपनी बात कहने का, अपना शोर करने का हक है। लेकिन आपने जनता को भी सुना, वो भी थोड़ी असंतुष्ट है भारतीय जनता। लेकिन जनता भी आप जब सुनिए तो देखिए, जनता, अधिकांश जनता आपकी उपलब्धियों को सड़क पर देख रही है, जमीन पर देख रही है, इसलिए वो कह रही है कि ये उपलब्धियां हैं। इससे पहले क्या था, इस शहर में ही हम लोग पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं और आगे तक गए हैं, तो इस शहर का पूरा रूप क्या रहा है और आज क्या हो गया है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लोगों को मैंने कहा था पहली बार भी कि थोड़ा सा मिल गया है, लोग ये बड़ा दुर्भाग्य, थोड़ा सा मिल गया है, सच नहीं बोल पा अब इससे ज्यादा की उम्मीद हो गई। ठीक है, ठीक है। ये तो निर्दलीय प्रत्याशी है, इनका कहना है कि सच नहीं बोल पा रहे हैं लोग, क्या डर है लोगों में कि वोट भी दे देते हैं बीजेपी को और निर्दलीय प्रत्याशी, वो कह रहे हैं कि सच नहीं लोग बोल पा रहे हैं। देखिए अगर भाजपा ने अच्छा काम किया होता तो नंद गोपाल नंदी के वाइफ का टिकट नहीं कटा होता, वो यहाँ चुनाव लड़ती। ऐसा नहीं है, पाँच साल में बोलिए नहीं भाई, बोलिए नहीं, प्लीज प्लीज। पिछले 5 साल में महंगाई के चलते, मकान किराए के चलते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 52 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया है, 52 छात्र छात्राओं के कहाँ पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आज सुसाइड जोन कहा जा रहा है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सुसाइड जोन कहा जा रहा है, ऐसा राय सर ने बोला है। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सुसाइड जोन कहा जाता है, ऐसा सर ने कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद में मोक्ष मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया वाला जो पुल है
उसको विद्यार्थियों के लिए जो है आत्महत्या करने का क्षेत्र बना दिया और रोजगार है नहीं। हर हफ्ते सुनाई देता है अमुक विद्यार्थी ने फांसी लगा लिया। कुलपति महोदय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो IAS और PCS की फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री बंद हो गई। बीजेपी वाले अपनी मौज में हैं। बीजेपी वाले अपनी मौज में हैं, ऐसा आम जनता का कहना है कि जो बीजेपी वाले हैं वो अपनी मौज में हैं। जी अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मौज में हूँ, इनका कहना है कि मैं मौज। आज से 10 साल पहले इनकी सरकार बनी और इनके सरकार में मैंने यही स्थिति थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रोड पे 6:30 बजे के बाद लड़कियां निकलती नहीं थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6:30 बजे के बाद लड़कियां निकलती नहीं थी। यही विश्वविद्यालय के पूरा छात्र नेता रहते थे और चेता रहते थे जो अड्डेबाजी करते थे। ये लोग चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज मैम, यहाँ जितने हैं आप भी जानती है कौन आम जनमानस है कौन का। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, संघ की राजनीति हूँ। मैं संघ से हूँ मैम, कह रहा हूँ मैं संघ से हूँ मैं और संघ की राजनीति करता हूँ। यहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित है। महिलाओं से पूछ लेते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। निकाय चुनाव में प्रगति सहाय सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने सभी पार्टी के लोगों का सभी का बयान सुना। मुझे ये सिर्फ जानना है कि नगर निगम जो अवैध वसूली करता है, मैं जास टाउन पॉश एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे मुझसे 250 रुपए महीना वसूला जाता है कूड़ा उठाने के नाम पे। ये अवैध वसूली है, इसका हमें जवाब चाहिए कि अवैध वसूली क्यों हो रही है। क्यों हो रही है अवैध वसूली? नगर निगम में कर्मचारी है, उनकी सैलरी फिक्स्ड है और जितने भी वहाँ पे मेयर बैठी है उनकी भी सैलरी फिक्स्ड है, पार्षद की सैलरी फिक्स्ड है, सारी चीजें। तो फिर उनसे हम लोगों से पैसा, आम जनता से पैसा क्यों वसूला जा रहा है, मेरा ये जानना है। अवैध वसूली क्यों हो रही है? कोई अवैध वसूली नहीं है। जिन पार्टियों को मौका नहीं मिल रहा लूटने का, वो लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं। अवैध वसूली कुछ भी नहीं है। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, मैं वहीं आ रही हूं, मैं वहीं आ रही हूं, आप बैठ जाइए। ऐसे गोला बना रहे हैं। नगर निगम की बात हो रही है, आप बैठ जाइए। मैम नगर निगम की बात हो रही है, प्रदेश में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कभी आप चौक जाइए तो चौक के अंदर का ये हाल है कि आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो सड़क के ऊपर गाड़ी उठाने वाले आ जाएंगे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था 1 रुपए की नहीं है। सीधा गिरफ्तार कब होंगे? ये महापौर का चुनाव है, आपका यहाँ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स 2014 में बढ़ा। पार्टी के पास आऊंगी, बहुत सारे सवाल हैं। हाउस टैक्स वाटर टैक्स 5 गुना बढ़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा, मैं कहता हूँ कि वतन के जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी यहाँ सुबह आने लगेंगे और भीड़ में पिक लगेंगे। और 4 मई को क्योंकि हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव है, पहले फेज का ये चुनाव है। ठीक है, ठीक है, हो गया। पहले बिल्कुल सर, नॉर्मल चलना ना सही। यहाँ सपा के लोग खुले हम मर्डर करके चलते हैं। रोष बहुत है आपकी सरकार के बीच में। 4 मई को पहले फेज का जो चुनाव है वो होने वाला है और तमाम जो प्रत्याशी है, जो तमाम कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अपना